यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज दिखानी है, ये आयजा की हमने मतलब फर्स्ट टाइम पोनी टेल बांधी है और आयजा भी काफी खुश है। अच्छा हुआ देता आयजा, वाह एक और वाह। अच्छा मेरे को हुआ दे दो, नो नो उच्चा करोगी। अच्छा मेरे को हुआ दे दो, हुआ दे दो। अरे वाह, अच्छा बाय बाय कर दो, चलो बाय बाय कर दो, ताई दाई ताई दाई, चलो। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं, जबरदस्त टेक न्यूज लेके आ गया हूँ। और आईपीएल सीजन चल रहा है भाई, लोग बहुत ज्यादा मैच देख रहे हैं। आज तो भाई चेन्नई है और राजस्थान है, धोनी जी है, बहुत मजा आने वाला है। खैर दोस्तों, मैंने पोल रखा था, आपसे पूछा था रियलमी नार्जो 20 सीरीज के बारे में क्या ख्याल है। 1.5 लाख के आसपास लोगों ने वोट डाला और 64% लोगों ने कहा अच्छी प्राइस है। चलो पहली बार रियलमी को थोड़े अच्छे वोट्स यहां पर मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कहा कि ओवर प्राइस्ड है। एनीवेज, रियलमी नार्जो 20 की हमने अनबॉक्सिंग किया था आज। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप जरूर से जाके देख लेना। और भी कल बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स होगी, मतलब कल से बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स आएंगी। लाइक करते रहिए दोस्तों, टेक्नोस पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं सैमसंग से। सबसे पहले दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन सिर्फ एक दिन बाकी है दोस्तों, कल शाम के 7:30 बजे इंडिया टाइमिंग ये जो इवेंट होगा ग्लोबली, हमें पता चल जाएगा कि सैमसंग S20 फैन एडिशन कितना अच्छा होगा। और उसके बाद ऑब्वियसली हमें ये फोन इंडिया में भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। देखते हैं कि सैमसंग कल क्या खास करता है। साथ में दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F ये जो नया फोन आने वाला है, ये फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गया दोस्तों, मतलब थोड़ी इंफॉर्मेशन इसकी बाहर आ गई है, मतलब फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होगा। और दूसरी चीज, 24 सितंबर को वहां पर ऐसा डेट आ रही है, मतलब सैमसंग उस दिन शायद इस फोन से रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट करेगा। देखते हैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज क्या खास होती है, क्या प्राइस पर और कितना जल्दी इंडिया में आती है, ये तुम्हें 24 तारीख को ही पता चलेगा। तो आज इंडिया में दोस्तों Xiaomi ने अपने दो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है, अचानक में भयानक कर दिया उन्होंने। एक तो है दोस्तों उनका मी का स्मार्ट बल्ब, ये आपको 25,000 घंटे की लाइफ के साथ में मिलता है, मोबाइल ऐप से कंट्रोल होता है, वॉइस असिस्टेंट का इसमें सपोर्ट है और आपको 16 मिलियन इसमें कलर्स मिलते हैं। जो इंटरेस्टिंग है दोस्तों, सिर्फ 800 रुपए की इसकी प्राइस है, तो आपको चेकआउट करना है तो आप इसको कर लीजिए। साथ में मी पावर बैंक 3i आ चुके हैं, 10,000 mAh और 20,000 mAh, जी हाँ 18 वोल्ट के आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, आपको डुअल इनपुट टाइप सी और साथ में जो 20,000 वाला उसमें ट्रिपल पोर्ट आउटपुट है वगैरह वगैरह। जो 10,000 वाला है वो आपको 900 रुपए का मिलता है और जो 20,000 का है वो आपको 1,500 रुपए का मिलता है। प्राइस अच्छी है दोस्तों, बुरा नहीं है। तो अगर आपको इनको चेकआउट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा लिंक डालने की, तो आप वहां पर जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। पोको को कैसे भूल सकते हैं, आज फाइनली इंडिया में पोको X3 लॉन्च हो गया दोस्तों। और पोको F1 के बाद ये पहला उनका ऐसा फोन है जिनमें रीब्रांड वाला सीन नहीं है, एकदम नया फोन है, इंडिया में थोड़े चेंजेस के साथ में आया है दोस्तों। और प्राइस उन्होंने बहुत अच्छी रखी है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। मनमोहन जी ने हालांकि ट्वीट करके बोला था कि 20,000 के पास आएगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो हाईएस्ट वेरिएंट की बात कर रहे थे, बेस की बात नहीं कर रहे थे। हमने भी ट्वीट करके बोला था कि 15,000 तक खींच के लेके आओ, लेकिन वहां तक तो नहीं गया, आया है 17,000 रुपए में 64 बेस वेरिएंट, 18,500 का 6120 और 20,000 का 8120। स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर है, नया प्रोसेसर है, डिस्प्ले सेम है पोको X2 जैसी 6.67 इंच की, 120 हर्ट्ज की फुल एचडी प्लस की। साथ में आपको पीछे उन्होंने इस बार ग्लास बैक नहीं दिया है, प्लास्टिक है तो यहां कॉस्ट कटिंग कर दिया है। 6,000 mAh की बैटरी है, बैटरी उन्होंने इस बार बढ़ा दी है। और साथ में आपको 33 वॉट का चार्जर भी बॉक्स में दे दिया है, 64 MP क्वाड कैमरा पीछे सोनी वाला और 20 MP की सेल्फी है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, आईपी रेटिंग से और बहुत सारे और भी फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। मेरे ख्याल से 17,000 रुपए में दोस्तों प्राइस अच्छी है, बुरी नहीं है। और इसकी अनबॉक्सिंग आपको 4-5 दिन बाद हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वैसे दोस्तों, OnePlus इंडिया के अंदर अपने 8T को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो 14 अक्टूबर को हमें देखने को मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन OnePlus नॉट यूजर्स जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी कम्युनिटी पर हल्ला बोल दिए, और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इतना बुरा हो रहा है उनके साथ कि मैं आपसे क्या बताऊं, मतलब हम तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि अननेसेसरली बिना बोले OnePlus नॉट जो है वो फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, जेब में से फोन काफी सारे लोगों के गर्म हो रहे हैं और वो लोग बाहर निकल कर देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फैक्ट्री रीसेट हो रहा है, मतलब सब कुछ डेटा पूरा वाइप हो रहा है और बैकअप लेने का भी ऑब्वियसली कोई मौका नहीं है उनके पास। तो ये मुझे
बहुत बुरा लगा जो काफी सारे OnePlus Nord यूजर्स के साथ में हो रहा है। तो अगर आप यूज करते हैं तो अभी से ही एडवांस में बैकअप करके रख लीजिए, क्या पता आपके साथ भी ये कांड ना हो जाए। हालांकि OnePlus की बात की तो उन्होंने काम इसको फिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये चीज जो हो रही है वो बहुत ज्यादा बुरी हो रही है। दुश्मन के साथ भी ना हो ऐसा मुझे लगता है। इंडिया में दोस्तों हमें पता है कि जियो इस साल की एंड या मे बी 2021 की शुरुआत से अपने अफोर्डेबल रेंज के 4G और 5G फोन लॉन्च करेगा। गूगल के साथ में मिलके सब कुछ होगा, उनका खुद का OS होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि ये जो भी फोन जियो लॉन्च करेगा इनमें वो सिम कार्ड के साथ में आपको फोन प्रोवाइड करेगा। जी हाँ, और जिसमें जियो का पोस्टपेड प्लान चढ़ा हुआ रहेगा। हालांकि अभी जियो के इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो जियो का पोस्टपेड प्लान इस्तेमाल करते हैं, और वो भी मेरे ख्याल से वो 199 वाला प्लान समथिंग है। मे बी अपने इन यूजर बेस को बढ़ाने के लिए पोस्टपेड प्लान के जियो वो सिम कार्ड के साथ में ये फोन देगा जिनमें आपको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। हाँ, तो विद सिम कार्ड और रिचार्ज के साथ में आपको जियो के ये अफोर्डेबल रेंज के 4G या 5G फोन देखने को मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत खुश हूं कि जियो कुछ अच्छा कर रहा है गूगल के साथ में मिलकर। दिसंबर एंड या 2021 की शुरुआत से हमें ये फोन्स देखने को मिल सकते हैं। इस बार दोस्तों वैसे हमें 4 iPhones देखने को मिलेंगे। मैं iPhone 12 की बात कर रहा हूं जो अक्टूबर में आएंगे। काफी टाइम से हम इसके बारे में सुन रहे हैं, और करंटली जो iPhone 11 है इनसे भी थोड़े एक्सपेंसिव हो गए ऐसा बताया जा रहा है। और साथ में एप्पल ने जो टारगेट लगा के रखा था कि वो iPhone 12 इस बार जो है वो 80 मिलियन शिप करेगा, वो भी इस बार वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाए क्योंकि प्रोडक्शन में काफी इशू है। लेकिन यहां पर दोस्तों एक लीक आई और बताया जा रहा है कि 4 आईफोन में से जो सबसे बेस वाला होगा वो आईफोन 12 मिनी के नाम से आएगा, जो 5.4 या 5.7 इंच की डिस्प्ले होगी, तो काफी कॉम्पैक्ट होगा। और इसके बाद फिर आईफोन 12 होगा, फिर आईफोन 12 प्रो और फिर 12 प्रो मैक्स, ऐसा यहां पर हो सकता है। और जो मिनी होगा वो 50,000 के नीचे आपको मिल सकता है, ऐसी बातें हो रही है, जो उनका सबसे अफोर्डेबल वर्जन बन के आ सकता है। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, और देख के तो मुझे लग रहा है शायद ये जेन्युइन हो सकता है। क्या लगता है दोस्तों, अगर 50,000 के नीचे आईफोन 12 मिनी आता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है उसमें, तो क्या आप परचेस करेंगे? आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक जोक आपको बताता हूं, जोक ऑफ द डे। टिकटॉक ने इंडिया के अंदर अपनी पिछले 6 महीने की रिपोर्ट जो वो शेयर करी है कि उन्होंने उनकी गाइडलाइंस को वायलेट करने वाले जो वीडियोस थे उनको उन्होंने निकाला। 90% ऐसा, मतलब जितने भी वीडियोस लोगों ने रिपोर्ट किए थे उन 6 महीनों में, उसमें से 90% वीडियोस को उन्होंने निकाल दिया जो उनके गाइडलाइंस को वायलेट करता था। लगभग 3.7 करोड़ वीडियोस थे। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उसमें से 90% वीडियोस ऐसे थे जिनमें व्यूज भी नहीं आए और हमने उनको निकाल कर फेंक दिया। मतलब देखिए, आप US में अनबैन है, हमें पता है आपने वहां पर किया कुछ भी, इंडिया में ना ऐसे मिठागिरी करके वापस आने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी हमारे अभी काम नहीं है। जब करना था तब तो आपने इतना किया नहीं, अभी आप रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं इन 6 महीनों की, क्या बताना चाह रहे हैं आप? वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया में इसको आना चाहिए ये सफाई होने के बाद? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों फाइनली रोयाले, हां कुछ वैसे ही नाम है ये जो कंपनी है, इन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहले अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया था। ये सैमसंग, LG, TCL वगैरह नहीं, ये रोयाले कंपनी पहली थी दोस्तों, जो FlexPai आया था, आपको बताया, कमर्शियली अवेलेबल होने वाला ये वर्ल्ड का पहला फोन था जो फोल्डेबल फोन था। अब यहां पर उन्होंने उसका सक्सेसर लेके आ गया FlexPai 2, ये उससे थोड़ा और बेटर है, हिंजेस को इंप्रूव कर दिया है और भी ज्यादा रगेड है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। साथ में आपको 7.8 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है जब अनफोल्ड होता है, और जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो दो स्क्रीन है, 5.5 इंच की और एक 5.4 इंच की। क्वाड कैमरा है, स्टेरियो स्पीकर से, और स्नैपड्रैगन 865 है, 5G है। प्राइस बोलूं तो 8256 इसका बेस वेरिएंट है, जो अराउंड 1.25 लाख के आसपास आता है, और एक 12256 है जो कुछ 1.5 लाख के आसपास आता है। तो प्राइस तो चाइना के हिसाब से उन्होंने वहां पर सही रखी है, लेकिन ऐसी चीजें हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन क्या लगता है दोस्तों ये एडवांस न्यू FlexPai 2 के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों 1977 में एप्पल 2, ये जो कंप्यूटर आया था एप्पल का, इसमें जो हार्ड ड्राइव थी ना, इसकी साइज सिर्फ 5 MB की थी। 5 MB में बोल रहा हूं, ठीक है? आज हम एक फोटो क्लिक करते अपने फोन से, उसकी भी साइज 5 MB से ज्यादा हो जाती है। इमेजिन उस वक्त 5 MB की सिर्फ हार्ड ड्राइव थी। उस जमाने के लोगों को सल्यूट है। आज की न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाके देखना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।